फ्री में बिल्कुल कह रहे हैं कि बाय हनी एंड गेट टू टी फ्री। थैंक यू सो मच। तो शुक्र वाह। ओके थैंक यू सो मच। हैज टू बी प्योर। अल्लाह इज वाचिंग। ओके थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू। ऐसे सैनिक रास्ते पे मैंने आज तक ड्राइव नहीं की माशाल्लाह। और लैंडस्केप जो है तराबजोन जाते जाते मतलब जितना आप तराबजोन के करीब जा रहे हैं उतना लैंडस्केप जो है वो खूबसूरत होता जा रहा है माशाल्लाह। तो बड़ा ही खूबसूरत जो है ना यहाँ पे माशाल्लाह मनाजिर हम यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एक चश्मा बह रहा है यहाँ से। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो जर्नी जा रहा है अभी तक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हाल मुसा। मेरा मदमान है। कैपिटोकिया में दूसरा दिन है और अभी जो है रवानगी है तराबजोन की तरफ। गाड़ी मैंने निकाल ली है और सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली, तेल पानी और टायर्स वगैरह। और यहाँ से इंशाल्लाह तराबजोन जाएंगे सीधा। ओवर नाइट स्टे किसी भी जगह नहीं है। तकरीबन 10 से 11 तकरीबन घंटे लग जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। सिर्फ और सिर्फ 650 किलोमीटर है वो। इतने घंटे इसलिए लगेंगे क्योंकि पहाड़ी सफ़र है जिसकी वजह से जो है वो ड्यूरेशन ज़्यादा है और किलोमीटर कम है। तो चलें इस जर्नी का जो है हिस्सा बन जाए। जो एक्सपीरियंस मैं करूँगा चीज़ें वो आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, तराबजोन की तरफ चलते हैं। हाईवे जो है वो स्टार्ट हो चुका है। शहर में से हम निकल आए हैं और हमारा जो सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है अब। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे यहाँ के रोड्स ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ कि कोई रोड कहीं ख़राब हो या कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा हो या कोई कच्ची रोड हो। माशाल्लाह तबारकल्ला रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर तुर्की का बहुत कमाल है। और साथ ही साथ जो लैंडस्केप आता है, जो ज़बरदस्त किस्म के जो व्यूज़ आते हैं वो तो बंदे को बोर ही नहीं होने देते। तकरीबन 300 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है और यहाँ पे मैंने स्टॉप किया है, पेट्रोल डलवाया गाड़ी के अंदर, इसको फुल करवा लिया है और थोड़ी सी ज़रा रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें ली हैं। तो बस ये है कि इंशाल्लाह और तीन से चार घंटे में इंशाल्लाह ये बाकी का सफ़र भी जो है वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तो चलें बिस्मिल्लाह दोबारा कंटिन्यू करते हैं। माशाल्लाह तबारकल्ला तकरीबन पिछले 100 किलोमीटर से रास्ता बिल्कुल ऐसा है, हरा भरा, लैंडस्केप इतना खूबसूरत हो चुका है, इतना प्यारा हो चुका है, मैं बता नहीं सकता। लेवेंडर फील्ड्स आपको जगह जगह पे दिखेंगी यहाँ पर। और ये देखें इस तरफ भी रोड के इस तरफ भी माशाल्लाह पूरी ग्रीनरी हरियाली है और रोड के इस तरफ भी माशाल्लाह पूरी ग्रीनरी है। और बहुत ही ज़बरदस्त सैनिक जो है वो जा रहा है तराबजोन की तरफ। बहुत मज़ा आ रहा है और यकीन माने बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हो रही। तकरीबन 4 घंटे पास हो चुके हैं और रोड की कंडीशन जो है बहुत अच्छी है। बहुत वेल मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर और किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं, कोई मसला नहीं हुआ ड्राइव करने में माशाल्लाह थ्रू आउट द जर्नी। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। और थोड़े थोड़े फासले पे 50-40 किलोमीटर पे जो है वो सर्विस स्टेशन आ जाते हैं। सो फार इट्स गोइंग वेरी गुड। कोई 400 किलोमीटर के बाद जो है वो एक पतली सी रोड निकलती है बिल्कुल इस मैदानी इलाके में से। ये बड़ा ही खूबसूरत किस्म का मंज़र है। अगर आप अपनी आंखों से देख रहे होते तो और ज़्यादा जो है वो दिलचस्प और हसीन लगता। बिल्कुल सांप की तरह जो है वो एक रोड निकल रही है, एक समझ लें ग्रासलैंड समझ लें, एक जंगल समझ लें, क्योंकि आगे पहाड़ों के ऊपर जो है वो दरख्त और जंगल है सारा। तो ये एक इंतहाई खूबसूरत जो है वो मंज़र है माशाल्लाह तबारकल्ला। थोड़े थोड़े फासले पे जो है वो बहुत खूबसूरत व्यूज़ आ रहे हैं। और लैंडस्केप जो है तराबजोन जाते जाते मतलब जितना आप तराबजोन के करीब जा रहे हैं उतना लैंडस्केप जो है वो खूबसूरत होता जा रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह देखें ये एक छोटा सा गांव हो गया है और ये गांव में से होते हुए एक सड़क जा रही है माशाल्लाह तबारकल्ला। तो ये है कि इस रास्ते में आपको गांव भी मिलेंगे, चश्मे भी मिलेंगे, नीचे एक रिवर है। तो बड़ा ही खूबसूरत जो है ना यहाँ पे माशाल्लाह मनाजिर हम यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एक चश्मा बह रहा है यहाँ से। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो जर्नी जा रहा है अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल नेचर में से होते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ से जो तराबजोन तकरीबन 120-130 किलोमीटर रह गया है और यहाँ से जो है वो पहाड़ी सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। खूबसूरत वादियाँ आएंगी और ये दरख्त और बड़े बड़े पहाड़ जिस तरीके से यूरोपियन कंट्री स्वीडन वगैरह में स्विट्ज़रलैंड में जो है वो दिखते हैं बिल्कुल वही व्यू स्टार्ट हो गए हैं माशाल्लाह।
पूरा माशाल्लाह रास्ता मैंने इन्जॉय किया है और ड्राइव करते हुए बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई माशाल्लाह। जहाँ पे नज़र पड़े वहाँ पे ग्रीनरी है और हर थोड़े से मतलब किलोमीटर्स के बाद जो है वो लैंडस्केप चेंज हो जाता है, व्यूज़ जो है वो चेंज हो जाते हैं और माशाल्लाह तबारकल्ला आंखें जो हैं वो गाड़ी चलाते जाते जो हैं वो ठंडी होती रहती हैं माशाल्लाह। अब तो रबजोन के लिए तकरीबन 40-50 मिनट रह गए हैं और यहाँ पे ये लोग प्योर हनी वगैरह जो है वो बेच रहे हैं, तो मैं ज़रा टेस्ट करके देखूँगा कि कैसा है। problem no this is zuhur ha zuhur chestane karışık evet tamam bre çevir vallahi ha okay tamam siz gidin evet geldim ha bak। तो अभी जो है इनके साथ डीलिंग हो गई है, ये मैंने माउंटेन हनी लिया है, 3 माउंटेन हनी लिया है और इन्होंने कहा है कि बिल्कुल ओरिजिनल, अच्छा मैंने टेस्ट किया है। अब गर्मी में असली शहद जो होता है वो टेस्ट इसका पता नहीं होता, टेस्टलेस होता है। जब ये कूल डाउन हो जाए उसके बाद इसका असल टेस्ट का पता चलता है। तो ये निशानी मैंने चेक कर लिया है, अभी इसका बिल्कुल टेस्ट नहीं है, जो कि फेक होता है वो मीठा होता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहा हूँ और बाकी मैंने कहा मेरे और आपके बीच में अल्लाह ताला है। तो खैर डील हो गई है इसकी 200 लीरा में। 200 लीरा मेरे ख्याल में बहुत ही चीप प्राइस है इसके लिए, मैं आपको बताता हूँ, डॉलर्स में नीचे लिखा हुआ आ जाएगा आपको। और उन्होंने साथ ही साथ जो है ना ये चाय भी दे दी है जो फ्री में बिल्कुल कह रहे ना कि बाय हनी एंड गेट टू टी फ्री। थैंक यू सो मच, तो शुक्र थैंक यू। अच्छा और दूसरी जगह हैं तो यहाँ पे जो है मुझे बिल्कुल जो ओरिजिनल इसका जो छत्ता होता है ना उसके समेत ये दे रहे हैं, विच ऑल्सो लुक ओरिजिनल। और टेस्ट करके देख लिया है, अब मुझे लग रहा है कि ये ओरिजिनल है जो निशानियाँ होती हैं, बाकी अल्लाह आलम। और मुझे ये वैसे चाहिए भी था छत्ते वाला, तो चले फिर इनसे भी डील हो गई है और इनसे भी ले लेते हैं। ये सौदा हो गया इसका भी, मैंने इनको जो है 550 लीरा दिए हैं और इन्होंने ये जो है ना पूरा मुझे पूरा दे दिया ये डब्बा। ओके थैंक यू सो मच, हैज़ टू बी प्योर, अल्लाह इज़ वाचिंग। ओके थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह 10 घंटे के ड्राइव के बाद फाइनली ट्रैबज़ोन पहुंच चुका हूं मैं। यहां पे मैंने पीछे यूनिफॉर्म होटल है, यहां पे मैंने अपनी बुकिंग करवाई है, 3 दिन रुकूंगा मैं यहां पे इंशाल्लाह और आप लोगों को ट्रैबज़ोन की सैर करवाऊंगा। ट्रैबज़ोन और उसके सराउंडिंग एरियाज बहुत खूबसूरत हैं, इंशाल्लाह अगले व्लॉग जो हैं वो इस हवाले से आएंगे। तो चलें मोहम्मद मान को इजाज़त दें, यकीन माने ये 10 घंटे की जो ड्राइव थी वन ऑफ़ द बेस्ट ड्राइव थी, बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई, अभी तक फ्रेश हूँ क्योंकि रूट बहुत सैनिक था, बहुत खूबसूरत रूट था। तो चलें इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए मोहम्मद मान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।